बेटा बुलाए हमको। स्क्रीन शेयर कर लिया पर आप कहते हो कि गूगल में खोलें, गूगल इस क्लास में नहीं खुलता, आपको कहते हैं इसको मैं कैसे एंड करूं? तो बात सुनिए ना, आप 5 मिनट इतने लेंथी टॉपिक्स होते हैं और आप मेरे 10 मिनट हर दफा जाया करते हो। ये देखो खुल रहा है बेटा, मुझे बताओ खुल रहा है कि नहीं? खुल रहा है। जब फायर फॉक्स है तो आप एप्लीकेशन डिलीट कर दो अगर उसमें प्रॉब्लम है।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक फॉर टुडे इज वेल्व्युलर हार्ट डिजीजेस। हार्ट वेल्व के बारे में सबको पता है, तो वेल्व्युलर हार्ट डिजीजेस जो हैं वो हमारे हार्ट वेल्व की डिजीजेस हैं, जो कि दो तरह की हो सकती हैं। या तो वेल्व का स्टेनोसिस हो सकता है या वेल्व की रीगर्जिटेशन हो सकती है। वेल्व कौन से हैं? फोर हार्ट वेल्व हैं, सबको पता है। दो एवी वेल्व हैं और देर आर टू वेल्व्स। एओर्टिक वेल्व कहाँ है? एट द जंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल विद द एओर्टा। और जो है वो पल्मोनरी वेल्व कहाँ पे है? एट द जंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल विद द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और एवी वेल्व जो है वो राइट साइडेड एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो है वो कौन सा? ट्राइकस्पिड वेल्व। और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है बाइकस्पिड वेल्व। ये जो बाइकस्पिड वेल्व है इसको हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। सिर्फ ये वो वेल्व है जिसके दो कस्प होते हैं, बाकी जो तीनों वेल्व है उनके तीन तीन कस्प होते हैं। कभी कभी कंजेनिटल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम के तौर पे ऐसा होता है कि एओर्टिक वेल्व के भी दो कस्प बन जाते हैं, तो उस एओर्टिक वेल्व को फिर आगे लाइफ में जाके रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस होने का ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट जो ठीक नहीं हुई। ठीक है। तो नॉर्मली सिर्फ जो बाइकस्पिड या माइट्रल वेल्व है उसके दो कस्प होते हैं, बाकी तीनों के तीन तीन कस्प होते हैं। इसीलिए हम माइट्रल वेल्व को बाइकस्पिड वेल्व भी कह देते हैं। तो वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस जो है वो या तो स्टेनोसिस हो सकता है, यानी कि वेल्व का जो ओपनिंग है वो नैरो है। वेल्व डू नॉट ओपन वेल, अच्छी तरह ओपन नहीं होता। दैट विल रिजल्ट इन टू रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ ब्लड अक्रॉस द वेल्व। ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? रीगर्जिटेशन। वेल्व डज नॉट क्लोज वेल, वो अच्छी तरह क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से उसके अराउंड उसके अक्रॉस बैक फ्लो ऑफ ब्लड होता है। ठीक है। सिस्टली में वो पूरी तरह क्लोज नहीं होता, तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द रीगर्जिटेटेड वेल्व इज देयर। ठीक है। स्टेनोसिस में रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है और रीगर्जिटेशन में बैक फ्लो ऑफ ब्लड, लीकेज ऑफ ब्लड इनटू द प्रीवियस चैम्बर होता है। ठीक है। तो वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस जो है, तो वेल्व जो नॉर्मल वेल्व है उनका क्या काम है हमारे हार्ट का? कि फोर हार्ट वेल्व है और उनका ये काम है कि फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड हो हमेशा, और लीकेज को या बैकवर्ड फ्लो को वो प्रिवेंट करें। जो कॉम्पिटेंट सही वेल्व होता है, जिसको कोई डिजीज नहीं है, ना स्टेनोसिस है ना रीगर्जिटेशन है, उसका क्या काम है? कि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करे। ठीक है। तो वन वे फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करना वेल्व का काम है, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड को जो है वो करना वेल्व का काम है। स्टेनोसिस भी नहीं होना चाहिए, रीगर्जिटेशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल वेल्व का ये काम है। एओर्टिक वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, माइट्रल वेल्व भी आपको पता है कहाँ कहाँ होते हैं। तो स्टेनोसिस है और रीगर्जिटेशन है। स्टेनोसिस में क्या प्रॉब्लम है? वेल्व डज नॉट ओपन ऑल द वे और उसमें से फ्लो ऑफ ब्लड अक्रॉस द वेल्व जो है वो कम होगा। ठीक है। और रीगर्जिटेशन में क्या है कि खुला ही रहता है वेल्व, अच्छी तरह क्लोज नहीं हो पाता, डू नॉट क्लोज वेल्व। ठीक है। तो इसमें फिर रीगर्जिटेशन एंड बैक फ्लो एंड लीकेज इनटू द प्रीवियस चैम्बर होती है। स्टेनोसिस ऑफ द वेल्व में क्या है? वेल्व ओपनिंग जो है वो नैरो है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? कि वेल्व के जो कस्प हैं वो आपस में फ्यूज हो गए हैं या थिकन हो गए हैं, तो ये चीजें जो है या उनकी कैल्सिफिकेशन हो गई है, तो दीज थिंग्स विल लीड टू स्टेनोसिस ऑफ द वेल्व। ठीक है। अब स्टेनोसिस किसी भी वेल्व का हो, बीदर माइट्रल का, ट्राइकस्पिड का, एओर्टिक का, पल्मोनरी का, उसकी तीन रीजन हो सकती है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन बेसिकली किसी भी वेल्व की स्टेनोसिस के थ्री रीजंस होते हैं। सिनाइल, बुढ़ापे, एज चेंजेस की वजह से, एज के साथ विजिटेशन बन गई हैं, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स या कैल्सिफिकेशन हो गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सिनाइल चेंजेस। दूसरी रीजन है कंजेनिटल, और मोस्ट कॉमन रीजन है रूमेटिक कार्डाइटिस, रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक फीवर एक जोन सा फीवर है वो आप सबको पता है। ठीक है। ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिस स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से फेरिंजाइटिस होता है, उसको एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, रूमेटिक फीवर होता है। हर रूमेटिक फीवर में कार्डाइटिस नहीं होता, लेकिन जिस रूमेटिक फीवर में कार्डाइटिस होता है उसमें सबसे ज्यादा चांस है माइट्रल वेल्व अफेक्ट होगा। तो हम ये भी पढ़ते हैं बुक्स में कि माइट्रल स्टेनोसिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू रूमेटिक कार्डाइटिस अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। एनी हाउ, वेल्व की, किसी भी वेल्व की स्टेनोसिस के क्या तीन रीजन हो सकते हैं? कंजेनिटल, सिनाइल, और नंबर थ्री रूमेटिक कार्डाइटिस। सबसे
कॉमन कॉज सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो सबसे कॉमन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो क्या होगी रूमेटिक आर्थराइटिस विच रिजल्ट्स ड्यू टू रूमेटिक फीवर. हर रूमेटिक फीवर रूमेटिक आर्थराइटिस नहीं करता बट द रूमेटिक फीवर विच विल रिजल्ट इनटू रूमेटिक आर्थराइटिस दैट कैन रिजल्ट इनटू वेल्व्युलर हार्ट डिजीज. सबसे ज्यादा रूमेटिक फीवर में जो कार्डियक वेल्व अफेक्ट होता है वो मिट्रल वेल्व है. उसके बाद अफेक्ट होने वाला फ्रीक्वेंसी में वेल्व एओर्टिक वेल्व है. पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड कभी कभी अफेक्ट होते हैं अक्सर औकात नहीं होते. सबसे ज्यादा मिट्रल वेल्व अफेक्ट होता है. उसके बाद किसके चांसेस है एओर्टिक के और पल्मोनरी ट्राइकस्पिड जो है वो रूमेटिक आर्थराइटिस में कभी कभी अफेक्ट होते हैं. इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होते, होते हैं बट रेयर होते हैं. ठीक है. अच्छा अब वेल्व की स्टिनोसिस से होगा क्या. द चैम्बर बिहाइंड द स्टिनोटिक वेल्व इज सब्जेक्टेड टू ग्रेटर स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल हम माइट्रल स्टिनोसिस पढ़ रहे हैं. माइट्रल स्टिनोसिस में देयर इज स्टिनोसिस ऑफ द माइट्रल वेल्व. नॉर्मल एरिया जो है माइट्रल वेल्व का है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है डायस्टली में. सीवियर स्टिनोसिस में वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तक स्टिनोज हो जाता है. तो कितना डिफरेंस है एरिया में, इसमें से क्या ब्लड जाएगा. तो माइट्रल वेल्व कहाँ पे है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में स्टिनोज्ड वेल्व है. इस स्टिनोज्ड वेल्व के क्रॉस ब्लड को पुश करने के लिए लेफ्ट एट्रियम को ज्यादा फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी. प्रेशर ओवरलोड हो गया, प्रेशर लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा हो गया. अब उसको वो कैसे कम बैक करेगा, वो सबसे पहले तो एट्रियल हाइपरट्रॉफी के जरिए उस इंक्रीज वर्कलोड को ओवरकम करने की कोशिश करेगा और काम चलाने की कोशिश करेगा. लेकिन कब तक, फाइनली देयर विल बी ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन टू द लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी भी फेल हो जाएगी. फाइनली देयर विल बी डायलिटेशन एंड डायलिटेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, फेलियर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम. फेलियर ऑफ द हार्ट किसी एक चैम्बर का फेलियर है, हार्ट का फेलियर. ठीक है, फेलियर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम विल बी देयर. ठीक है, तो जो पिछला वाला जो चैम्बर होता है दैट इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड स्ट्रेस, इंक्रीज्ड प्रेशर, मस्ट जनरेट मोर प्रेशर दैट इज वर्क हार्ड टू फोर्स द ब्लड थ्रू द स्टिनोज्ड वेल्व. इनिशियली द हार्ट कंपनसेट फॉर द एडिशनल वर्कलोड बाय ग्रेजुअल हाइपरट्रॉफी. जो मसल ज्यादा इस्तेमाल होगा उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, जो कम इस्तेमाल होगा उसकी एट्रॉफी होगी. एंड फाइनली डायलिटेशन एंड हार्ट फेलियर. हाइपरट्रॉफी भी कब तक काम चलाएगी, फाइनली देयर विल बी डायलिटेशन एंड हार्ट फेलियर. ठीक है, तो स्टिनोसिस में ये अफेक्ट होते हैं. रिगर्जिटेशन में क्या होता है, लीकेज एंड बैकफ्लो. उसमें प्रेशर ओवरलोड था, इसमें वॉल्यूम ओवरलोड होगा. ठीक है, एक माइट्रल वेल्व जिसकी रिगर्जिटेशन है तो उसमें क्या होगा कि सिस्टली में लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन इट विल पुश ब्लड इनटू द एओर्टा तो आधा ब्लड तो वापस लेफ्ट एट्रियम में ही चला जाएगा अक्रॉस अ रिगर्जिटेटेड माइट्रल वेल्व. माइट्रल वेल्व पूरा क्लोज ही नहीं होता. तो सिस्टली में जहां सिर्फ एओर्टा में ब्लड जाना चाहिए इजेक्शन फ्रैक्शन ताकि कार्डियक आउटपुट अच्छा बने, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन में, तो वहां पे आधा ब्लड कुछ परसेंटेज जो है वो वापस लेफ्ट एट्रियम में चली जाएगी. तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ओवरलोड विल बी देयर. ठीक है, तो ये होता क्यों है, ड्यू टू स्कारिंग एंड रिट्रैक्शन ऑफ द वेल्व लीफलेट्स और वीकनिंग ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स. ये क्या चीजें हैं, कॉर्डी टेंडनी एंड पेपिलरी मसल्स आपने एनाटॉमी में पढ़े हैं कि दीज आर द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्डियक वेल्व्स. ये जो है कार्डियक वेल्व को ओपन क्लोज होने में हेल्प करते हैं और इनका अच्छा फ्लेक्सिबल होना, डिजीज फ्री होना वेल्व के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है. अगर इस एरिया में एमआई हो जाता है पेशेंट को तो दीज कॉर्डी टेंडनी विल बी डेड, दे विल बी वीक, दे विल नॉट बी एबल टू क्लोज द वेल्व, सपोर्ट द वेल्व प्रॉपरली. ओके, सो दैट इज वाई देर विल बी रिगर्जिटेशन ऑफ वेल्व इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बिकॉज द इन्वॉल्व्ड एरिया इज डेड. देर इज इन्फार्क्शन ऑफ द इन्वॉल्व्ड एरिया इन एमआई. ठीक है, तो वो इन्वॉल्व एरिया तो फंक्शन ही नहीं कर रहा जो एमआई में डेड हो चुका है. तो इफ द एमआई पोर्शन इन्वॉल्व्स अ हार्ट वेल्व तो उस वेल्व की रिगर्जिटेशन हो जाएगी. मैंने शुरू में आपसे कहा कि स्टिनोसिस किसी भी वेल्व का हो उसकी थ्री रीजंस होती हैं. नंबर वन रूमेटिक आर्थराइटिस, नंबर टू सीनाइल बुढ़ापे के चेंजेस, नंबर थ्री कंजेनिटल बाय बर्थ डिफेक्ट है. ठीक है, जब रीगर्जिटेशन की कॉजेज की बात आती है तो यही तीनों रीगर्जिटेशन ही कर सकती है. यही तीनों पैथोलॉजीज कंजेनिटल सीनाइल और रूमेटिक आर्थराइटिस ये रीगर्जिटेशन भी कर सकती है. प्लस तीन और मसले इसमें रीगर्जिटेशन की एटियोलॉजी में या कॉजेज में. वो तीन मसले क्या है, नंबर वन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. इन्फेक्शन जब हो के खत्म भी हो जाए तो पीछे क्या रह जाता है, फाइब्रोसिस. फंक्शन प्रॉपर तो नहीं रहता ना. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर सेटल भी हो जाए तो पीछे फंक्शनल डिसेबिलिटी रह जाती है. ठीक है, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जब अगर मतलब एंडोकार्डियम का होगा उसमें जोन सा वेल्व आ रहा है उसकी रिगर्जिटेशन हो सकती है. ठीक है, एक और क्या रीजन है, ट्रामा.
ट्रॉमा किसमें होगा? एम आई में कॉर्डी टेंडनी और पेपलरी मसल्स का ट्रॉमा ही होगा ना, कि वो एरिया डेड हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा. तो एम आई ट्रॉमा कह लें उसको. और सिफिलिस विच इज एन इन्फेक्शन कॉज बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम. ठीक है, तो सिफिलिस जो है वो भी एओर्टिक रूट की डायलिटेशन करता है और एओर्टिक पैथोलॉजी करता है और कार्डाइटिस करता है. तो सिफिलिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर रीगर्जिटेशन ऑफ अ कार्डियक वेल्व. तो स्टेनोसिस की वो तीन रीजन थी, रीगर्जिटेशन की भी वो तीन रीजन है, प्लस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, प्लस सिफिलिटिक एओर्टाइटिस या सिफिलिस, प्लस जो है ट्रॉमेटिक कॉज मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ठीक है, तो ये सारी जो कॉजेज हैं ये रीगर्जिटेशन का बायस बन सकती हैं. फिर रीगर्जिटेशन में हम पढ़ते हैं कि क्या होता है. रीगर्जिटेशन कॉजेज द हार्ट टू पंप द सेम ब्लड ट्वाइस, वही ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम ने पंप कर दिया था इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, रीगर्जिटेटेड मिट्रल वेल्व के थ्रू वापिस आ गया, उसी को वो दोबारा पंप करेगा, फिर वापिस आ गया उसी को वो दोबारा पंप करेगा. तो ये हार्ट का नॉर्मल फंक्शन तो नहीं है. पहले होगी हाइपरट्रॉफी, फाइनली होगी डायलिटेशन एंड हार्ट फेलियर. ठीक है, as the blood comes back into the chamber, then heart dilate to accommodate more blood, ventricular dilatation and hypertrophy eventually leads to heart failure. causes main aapse discuss kar chuki hu. valvular heart diseases mein har valve ka stenosis aur regurgitation, charo heart valves ki stenosis bhi aayegi, regurgitation bhi aayega. sabse pehle hum mitral valve ka stenosis padhte hain. causes wahi teen causes hain, sabse pehle rheumatic inner region, uske baad sigmoid aur uske baad congenital. theek hai, to नॉर्मल एरिया कितना होता है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सीवियर स्टेनोसिस में अप टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, अब हम इसके इफेक्ट्स देखते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस. तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले वो कहता है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल. स्टेनोसिस है, ठीक है, वेल्व जो है वो पूरी तरह ओपन ही नहीं होता, तो डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड विल फ्लो अक्रॉस दिस स्टेनोज्ड वेल्व. कम ब्लड आएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल उसी कम ब्लड को ही पंप, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की एट्रफी हो. ठीक है, अच्छा, अब कम ब्लड आ रहा है तो इसमें ज्यादा ब्लड रह रहा है और इसको फोर्स भी ज्यादा जनरेट करनी पड़ रही है स्टेनोज्ड वेल्व के क्रॉस ब्लड पंप करने के लिए. तो इसका वॉल्यूम ओवरलोड भी हो रहा है, प्रेशर ओवरलोड भी हो रहा है. अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है ये आ कहां से रहा है? जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पल्मोनरी. ठीक है, तो अगर लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी वेस्कुलर बेड का प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, पल्मोनरी वास्कुलेचर में प्रेशर बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा? पल्मोनरी कंजेशन. ठीक है, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ठीक है, खासतौर पर एक्टिविटी पे. ठीक है, तो पल्मोनरी वास्कुलेचर में लीक है, पल्मोनरी वास्कुलेचर में जब ब्लड फ्लो जो है वो उसका ज्यादा रहेगा, पल्मोनरी कंजेशन रहेगी, इट कैन लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन. अच्छा, अब लंग्स में ब्लड जो है वो हार्ट का कौन सा चैम्बर है जो लंग्स में ब्लड भेज रहा था? राइट वेंट्रिकल. तो अब ये जो हाई प्रेशर वाली पल्मोनरी वास्कुलेचर है इसमें ब्लड को पंप करने के लिए राइट वेंट्रिकल को क्या ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा. दैट विल रिजल्ट इन टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. यानी हमने क्या देखा कि लेफ्ट हार्ट का प्रॉब्लम था, उसने लंग्स को खराब किया. लंग्स जब भी खराब होंगे राइट हार्ट खराब होगा, और राइट हार्ट के फीचर्स खराब होने के क्या होते हैं? राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स क्या होते हैं? एडीमा, एसआईटीज. ठीक है, एसआईटीज क्या है? नॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी. ठीक है, और एडीमा क्या है? फीडल एडीमा. ठीक है, या जो ज्यादा सीवियर केसेस में पेरी ऑर्बिटल होता है ना, सार्का क्या है? जनरलाइज्ड बॉडी एडीमा. जितना सीवियर केस होगा उतना ज्यादा एडीमा होगा. दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ राइट हार्ट फेलियर. तो हमने देखा कि हर तरह की लंग डिजीज राइट हार्ट फेलियर करेगी, हर तरह की लंग डिजीज राइट हार्ट फेलियर करेगी, चाहे वो वास्कुलर हो या लंग का जो पेरेंकाइमा है वो पैथोलॉजी उसकी हो. तो फॉर एग्जाम्पल क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस, वो भी राइट हार्ट फेलियर करेगी. लंग्स जब भी खराब होंगे राइट हार्ट फेलियर का बायस बनेंगे, ज्यादा जब खराब होंगे लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस. ठीक है, हालांकि मसला कहाँ से शुरू हुआ था? माइट्रल स्टेनोसिस से, और कहाँ तक पहुंच गया? राइट हार्ट फेलियर. ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. तो पहली बात रिड्यूस ब्लड फ्लो इन टू द वेंट्रिकल्स, दूसरी बात एट्रियल हाइपरट्रॉफी. समझ आ गई एट्रियल हाइपरट्रॉफी क्यों होती है? ब्लड बैक्स अप इन टू द पल्मोनरी वेन्स. जब लेफ्ट एट्रियम पूरी तरह खाली नहीं हो पाता तो पल्मोनरी वेसल्स की तो कंजेशन होगी. ठीक है, पीछे ब्लड का स्टेसिस होगा, पल्मोनरी वेसल्स विल कंटेन मोर अमाउंट ऑफ ब्लड देन नॉर्मल. ठीक है,
तो इससे क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दैट विल लीड टू राइट हार्ट फेलियर इवेंचुअली. समझ आ गई? अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी हाइपरट्रॉफी होगी शुरू में कंपनसेशन के लिए, फाइनली उसकी डायलेटेशन और फेलियर होगा, उसमें फिर एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा. व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलेशन? इट इज एन एरिथमिया. हार्ट नॉर्मल कैसे पंप करता है? एट्रियल फिब्रिलेशन में कैसे पंप करेगा? कोई कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगी, कोई नहीं आएगी. दिस इज एरिथमिया. दिस विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विच इज फेटल इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सेकेंड्स में डेथ हो जाती है. हाइपोटेंशन हो जाती है ना, प्रेशर ही नहीं जनरेट कर पाता ब्लड प्रेशर ही नहीं जनरेट कर पाता, हार्ट फेलियर हो जाता है, डेथ हो जाती है. तो हम नहीं चाहते कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो. अच्छा, अब हो गई, अब कैसे पता चलेगा? पेल्पिटेशंस, अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट, पेशेंट को पेल्पिटेशन होंगी और ईसीजी और जो है पल्स ऑक्सीमीटर पे डायग्नोसिस बन जाएगा. अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि जब भी एरिथमिया होगा या जब भी ब्लड का स्टीनोसिस, ब्लड का स्टेसिस होगा, वहां क्या बनेगा? क्लॉट. तो एट्रियल फिब्रिलेशन में देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन. थ्रोम्बो का मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द लेफ्ट एट्रियम, एम्बोलिक का मतलब वो जो क्लॉट है वो सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन हो सकती है, वो ब्रेन में जा सकता है, किसी आर्टरी में जा सकता है, लिम्स में जा सकता है, और वहां जाके इस्कीमिया और इंफार्क्शन कर सकता है, स्ट्रोक ब्रेन में कर सकता है. तो हम नहीं चाहते कि ये काम हो. तो एट्रियल फिब्रिलेशन जब होती है तो फिर हम पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट पर डालते हैं ताकि उसमें क्लॉट ना बने, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ना हो. ठीक है, तो यही चीज वो यहाँ कह रहा है कि एट्रियल फिब्रिलेशन ड्यू टू प्रोग्रेसिव डायलिटेशन. देखिए, जब चैम्बर हार्ट का डायलेट कर जाता है ना, ये जो रिदम है नॉर्मल, ये कौन है? SA नोड, AV नोड, और ये सिग्नल देते हैं नर्व, जो नर्वस सिस्टम हार्ट का अपना है जो उसके रिदम को नॉर्मल रखता है. ठीक है, तो SA नोड, AV नोड और बाकी जो बंडल्स हैं, बंडल ऑफ फिस्ट, ये वो, ये सब चीजें क्या करती हैं कि नर्वस सिस्टम होता हार्ट है और हार्ट के रिदम को ये नॉर्मल रखती है. डिजीजेज में अब जब डायलेट कर गया तो वो नर्वस सिस्टम भी उसका उसमें डिजीज पैथोलॉजी में आ जाता है. ठीक है, वो भी फिर नॉर्मल नहीं रहता. तो जो एक डायलेटेड हार्ट है उसका नर्वस सिस्टम जो है, कंडक्टिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, वो नॉर्मल नहीं देता, वो फिर नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल इम्पल्सिस देता है. और किसी भी जो ऐसी पैथोलॉजी जिसमें कार्डियक चैम्बर जो है वो डायलेट होते हैं, वीदर इट इज ड्यू टू कार्डियोमायोपैथी, वीदर इट इज ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो भी उसकी रीजन है, वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज उसके रिजल्ट में है, जो भी रीजन है हार्ट की, जो चैम्बर है उसकी डायलेटेशन की, उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हार्ट की चैम्बर में चलता है, तो वहां पे स्कार टिश्यू बन जाता है. इन्फ्लेमेशन जब भी हील होगी तो स्कार टिश्यू बनेगा पीछे, वो स्कार टिश्यू में एबनॉर्मल सिग्नल्स बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें एरिथमिया का बायस बनती है. ठीक है, एरिथमिया फेटल हो सकते हैं. एरिथमिया बहुत बुरी, बहुत फेटल मेडिकल कंडीशन है. ठीक है, तो प्रोग्रेसिव डायलिटेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम इज वेरी कॉमन इन मिट्रल स्टेनोसिस अनअटेंडेड केसेस. इट्स ऑनसेट ऑफन प्रेसिपिटेट्स पल्मोनरी एडीमा. अब जो हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, पीछे पल्मोनरी वास्कुलेचर में जो स्टेचेस है वो तो और एग्रेवेट हो जाएगा, दैट विल रिजल्ट इनटू पल्मोनरी एडीमा. इतना ब्लड है पल्मोनरी वास्कुलेचर में, वो कहाँ जाएगा? कहीं जा भी नहीं पा रहा, हार्ट आगे से पंप ही नहीं कर रहा, उसको सर्कुलेट नहीं कर रहा ब्लड को, तो पल्मोनरी एडीमा एज अ रिजल्ट. ठीक है, पल्मोनरी एडीमा और प्लूरल इफ्यूजन कैन बी द रिजल्ट ऑफ हार्ट फेलियर. ठीक है, तो फेल हार्ट हो रहा है और इफेक्ट्स उसके लंग पे आ रहे हैं. तो पल्मोनरी एडीमा जब होगा तो पेशेंट सांस ठीक तरह से ले पाएगा? नहीं. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा था वो सही तरह से हो पाएगा? नहीं. तो ये सारे सिस्टम जो है फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे. अच्छा, इन कंट्रास्ट अ मोर ग्रेजुअल राइज इन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर टेंड्स टू कॉज एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एंड इट विल लीड टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ट्राइकस्पिड वाल्व का रीगर्ज और राइट हार्ट फेलियर. ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे राइट हार्ट फेलियर करेगी आपको पता है. ठीक है ना. अच्छा, अब इसके बाद ये फ्लो शीट्स जो हैं ये बहुत मजे की हैं, ये सारी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझा देंगे. नैरोइंग ऑफ द माइट्रल वेल्व यानी कि स्टेनोसिस ऑफ द माइट्रल वेल्व विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज्ड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर. ये बात ठीक है ना. इससे क्या होगा, जब एट्रियल प्रेशर ज्यादा होगा तो इट विल लीड टू इंक्रीज्ड पल्मोनरी प्रेशर, दैट विल कॉज पल्मोनरी कंजेशन, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इनटू द पल्मोनरी वेसल्स. तो लंग का जो नॉर्मल फंक्शन था वो उसको नहीं कर पाएगा. O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज जो है वो लंग का फंक्शन था, उसको वो प्रॉपरली परफॉर्म, वो दैट फंक्शन विल बी डिक्रीज, दैट विल रिजल्ट इनटू फटीग, डिस्निया एंड ऑर्थोपनिया. ऑर्थोपनिया क्या है कि पेशेंट सीधा नहीं लेट सकता,
सीधा लेटेगा तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पल्मोनरी कंजेशन ज्यादा हो जाएगी इस वजह से, फिर वो उठ के बैठेगा, उसके मैकेनिक्स बेहतर होंगे, पल्मोनरी कंजेशन बेहतर होगी तो उसका सांस ठीक होगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज है पी एन डी, हार्ट फेलियर में एक चीज है पी एन डी, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। वो क्या है कि मरीज सोया हुआ था रात को और वो शदीद डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग या ब्रेथलेसनेस के साथ उठ के बैठ गया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। नॉक्टर्नल का क्या मतलब है कि रात को होता है, पैरोक्सिस्मल आई मीन आई थिंक इट्स एपिसोडिक, ठीक है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, ठीक है। तो फिर जब वो उठ जाता है मरीज ब्रेथलेसनेस के साथ तो फिर विद द टाइम बीइंग उसकी कंजेशन कम होती है और उसका ब्रेथ जो है वो नॉर्मल होता है, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है, तो ये होगा इसमें। अच्छा, हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट एट्रियम भी साथ ही होगी शुरू शुरू में टू कॉम्पनसेट। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ही कम आता है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, और जब भी कार्डियक आउटपुट कम होगा पेशेंट विल एक्सपीरियंस वीकनेस एंड फटीग, ठीक है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और लेफ्ट वेंट्रिकल को काम कम करना पड़ रहा है तो उसकी जो है ना एट्रफी हो जाएगी। और ये हार्ट के जो चैम्बर्स हैं इनका डायामीटर, इनकी डायलिटेशन, वॉल थिकनेस, ये सब चीजें हमें किस पे नजर आएंगी, एकोकार्डियोग्राफी पे, ठीक है। और डायलेटेड चैम्बर हमें एक्सरे पे भी नजर आ सकते हैं, ठीक है। और एक्सरे, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी, यही तीन इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे हमने सारी कंजेंटल हार्ट डिजीज भी डायग्नोज की थी, इसमें भी डायग्नोसिस में यही तीन इन्वेस्टिगेशन है। इन तीनों इन्वेस्टिगेशन के कॉम्बिनेशन से We can diagnose each and every valvular heart disease as well, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सिम्टम क्या होता है जो पेशेंट हमें बताता है, साइन क्या होता है जो हम खुद मरीज में देखते हैं। तो फीवर इज अ नहीं ना साइन, फीवर हम नहीं देखते, फीवर हम देखते हैं ना, पेशेंट नहीं हमें आके बताता है कि मुझे बुखार है, वो तो बताता है लेकिन हम उसको कंफर्म करते हैं, ठीक है, तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। पेन क्या है, पेन सिम्टम है, पेन जो पेशेंट ने हमें आके बताना और हम उसे एवेलुएट नहीं कर सकते, जैसे पेन तो वो सिम्टम है, ठीक है। और जिसे हम इवेलुएट कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है या जो है वो टेंडन रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, या जो है वो फीवर है, ठीक है, इस तरह की चीजें क्या है, साइन। तो ब्रेथलेसनेस और कफ होगी जब पेशेंट को पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो पेशेंट विल एक्सपीरियंस एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया। और कफ क्या है, एनी इरिटेशन टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, कफ, ठीक है, विल रिजल्ट इन टू कैन कॉज कफ, एनी इरिटेशन टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, हिकअप, ठीक है। तो चेस्ट पेन विल बी ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हिमोप्टिसिस विल बी ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, इतना ब्लड है लंग्स की ब्लड वेसल्स में और उसके साथ फ्रॉथी स्पूटम, ठीक है, ब्लड स्टेन स्पूटम, ये चीजें भी आ सकती हैं इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा। देयर इज मोर ब्लड इन द लंग वेस्कुलेचर ना, तो दैट कैन रिजल्ट इन टू पल्मोनरी एडिमा, और वो पल्मोनरी एडिमा जो है वो ब्लड स्टेन भी हो सकता है, पेशेंट कफ करे तो हिमोप्टिसिस क्या होता है, ब्लड इन स्पूटम, हेमाटेमेसिस क्या होता है, ब्लड इन वॉमिटस, ब्लड इन वॉमिटस होता है हेमाटेमेसिस, और ब्लड इन स्पूटम होता है हेमोप्टिसिस, ठीक है। अच्छा जी, तो फटीग, और फटीग किसकी वजह से होगी, लो कार्डियक आउटपुट की वजह से, ठीक है। तो एडिमा रसाइटिस राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स में से है, क्लिनिकल फीचर्स में। पेल्पिटेशन अगर किसी पेशेंट को है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, और इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि एक एक साइन जो है उसकी वजह से कौन सा सिम्टम आता है, जो साइन, ये साइन है ना, ये हम देखते हैं, ठीक है, ये साइन है ये हम देखते हैं, तो उसकी वजह से ये सिम्टम आते हैं, ठीक है। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ mitral stenosis, these are the clinical features of mitral stenosis, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में दोनों चीजें आती है, साइंस भी और सिम्टम्स भी। यहाँ तक कुछ मुश्किल है किसी को, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, चले आगे हम देखते हैं कि mitral facies क्या होता है। डाउन facies तो आप सबको पता है, ठीक है, कि ऐसे इसका स्लैंडिंग एंगल है और ये है और वो है, डाउन facies के बारे में तो सबको पता है ना, ऐसे ही mitral facies भी होता है। मेलर फ्लशिंग होती है, रेडनेस ऑफ द चीक होती है, या उसको मेडिकल लैंग्वेज में कहें मेलर, मेलर एरिया, ये चीक का एरिया जो है इसके नीचे मेलर बोन्स होती है, मेलर एरिया,
इसकी फ्लशिंग विद ब्लड, ये रेड कलर का होता है. क्यों? हमने पीछे पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज था वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वैसोडायलेटर दैट विल डायलेट द कुटेनियस ब्लड वेसल्स. तो यहाँ पे वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, जिसकी वजह से विल गेट द माइट्रल फेशियस, डायलेटेशन ऑफ द कुटेनियस ब्लड वेसल, रेडनेस ऑफ द चीक्स. तो इसको क्या कहेंगे, मेलर, मेलर फ्लशिंग कहेंगे या माइट्रल फेशियस कहेंगे. ठीक है, साइंस हम पढ़े हैं कि हम पेशेंट जब हमारे पास आया है तो हम क्या क्या देखेंगे, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नजर आएंगी या हमें एग्जामिनेशन पे हमें मिलेंगी, दैट आर साइंस. एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकता है एमएस के पेशेंट में, माइट्रल फेशियस मिल सकता है, एबनॉर्मल फ्लशिंग ऑफ द चीक्स. ऑस्कल्टेशन हम करेंगे तो हमें लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड मिलेगी. अच्छा, आगे हम एरियाज ऑफ द हार्ट, ऑस्कल्टेशन एरियाज ऑफ द हार्ट भी पढ़ते हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू सम बेसिक्स अबाउट दिस कि एपेक्स बीट जो है वो कौन से हार्ट के चैम्बर से बनती है. लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एपेक्स बीट बनती है. ठीक है, अच्छा, एपेक्स बीट को हम पेल्पेट करते हैं जरूर प्रिकॉर्डियम के एग्जामिनेशन में, पेशेंट के चेस्ट पे हाथ रख के. एपेक्स कहाँ हमें मिलता है, नॉर्मल पेशेंट का, नॉर्मल बंदे का जिसका हार्ट डायलेटेड डिस्प्लेस नहीं है. तो एपेक्स हमें बीट, एपेक्स बीट को हमने पेल्पेट करना है. पेल्पेट का क्या मतलब होता है कि हम फील कर सकते हैं, वी कैन फील इट. जैसे यहाँ पे कोई बड़ा सा कोई मैस है तो हम फील कर सकते हैं ना, ऐसे एपेक्स बीट को हम फील करते हैं. कहाँ पे फील करेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन. ये मैंने आपसे पूछना है कि एपेक्स बीट कहाँ मिलेगी, हर वाइवा में, हर चीज में पूछना है, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस. तो मिड क्लेविकुलर लाइन में, फोर्थ या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन. चलो 1 सेंटीमीटर मीडियल नाम बताएं, मिड क्लेविकुलर लाइन, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, दोनों में से कुछ भी बता दे. फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, या आप बहुत ही बेहतरीन करके बताएं कि फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन. तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी. वहां पे जब हम ऐसे उंगली का ये जो होता है ना, ये हम इस जगह पे रखते हैं और हमें एपेक्स बीट मिलती है. अब नॉर्मल एपेक्स बीट ना तो टेपिंग होती है ना हीविंग होती है. टेपिंग का क्या मतलब है कि दरवाजा बंद है, मैं दूसरी तरफ से खटका रही हूँ और आप इधर से फील कर रहे हैं, वो है टेपिंग एपेक्स बीट. वो इसमें मिलती है एमएस में, माइक्रो स्टेनोसिस टेपिंग एपेक्स बीट में. ये मैं आपको बता, वो फील करने पे आपको पता चलेगा वो नॉर्मल होती है. आई मीन कि ना वो टेपिंग होती है ना वो हीविंग होती है. अब मैंने आपको बताया कि टेपिंग कैसे होती है, जैसे बंद दरवाजे को दूसरी तरफ आप नॉक करते हैं तो वो क्या फीलिंग है, ऐसी होती है टेपिंग एपेक्स. हीविंग का मतलब है जो आपकी फिंगर को डिस्प्लेस करे. हीविंग का ये मतलब है कि इतनी फोर्सफुल कि वो आपकी फिंगर हर एक बीट के साथ डिस्प्लेस होती है. ठीक है, अच्छा, हाँ जी, हीविंग, एच फॉर हीविंग, लेफ्ट हीविंग, एच फॉर हीविंग. ये आप सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आई थिंक 3 में आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, तब आप पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर्स में इंशाल्लाह. अच्छा, तो ऑस्कल्टेशन में वो कहता है लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड इज इक्वल टू टेपिंग एपेक्स. लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड कह लें या टेपिंग एपेक्स बीट कह लें, एक ही बात है. ठीक है, तो लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों, मार्जिनल वेल्व का स्टेनोसिस है ना, ओपनिंग जब हो रही थी तो हमें S1 मिल रही थी. अब ये स्टेनोज्ड वेल्व ओपन होने में ज्यादा आवाज क्रिएट करता है, अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड विल बी लाउड. तो माइट्रल रीगल्स में क्या हुआ, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई नहीं देगी, वेल्व तो खुला पड़ा, वो कहां से आवाज पैदा करेगी. ठीक है, तो माइट्रल स्टेनोसिस में जो एपेक्स बीट है वो हमें फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो हमें लाउड सुनाई देती है, और रीगर्ज में सॉफ्ट सुनाई देती है, सुनाई नहीं देती. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. ऑस्कल्टेशन, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड, ओपनिंग स्नैप एक आवाज है नॉर्मल, अच्छा जी, क्रिएटेड बाय फोर्सफुल ओपनिंग ऑफ द माइट्रल वेल्व, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड. और हमें इसमें MD में डायस्टोलिक मर्मर मिलता है. कहाँ पे मिलेगा, एपेक्स में. माइट्रल वेल्व का प्रॉब्लम है तो माइट्रल एरिया में मिलेगा ना, एरिया ऑफ द हार्ट में, आपको आगे बताती हूँ. अच्छा, और इसके अलावा हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, हम उसकी ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं, किसकी, प्रीकॉर्डियम की एग्जामिनेशन कर रहे हैं. प्रीकॉर्डियम क्या होता है, एक है पेरिकार्डियम जो के कवरिंग ऑफ द हार्ट है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. ठीक है, ये क्या है, प्री, पी आर ई, प्रीकॉर्डियम, ये क्या है, एरिया ऑफ द चेस्ट ओवरलेइंग द हार्ट,
चेस्ट का वो एरिया, चेस्ट वॉल का वो एरिया जो हार्ट के ऊपर पाया जाता है उसे प्रीकॉर्डियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, ठीक है, सारी को करेंगे और चार स्पेशल एरियाज है उनको करेंगे, चार स्पेशल एरियाज हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्कल्टेशन में हमें ये मिलेगा और माइटल फेशियस हमें इंस्पेक्शन पे मिलेगी। साइंस जो है वो आप कैसे देखते हैं, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, ठीक है, ये सारी चीजें आप एग्जामिनेशन में, हिस्ट्री आपने पहले ली जिसमें आपने मरीज को हाथ नहीं लगाया, एग्जामिनेशन में, इंस्पेक्शन में आपने आंखों से देखा, उसको हाथ नहीं लगाया, इधर खड़े होकर देखा, इधर खड़े होकर देखा, जो भी देखा, ठीक है। और फिर ऑस्कल्टेशन में, पल्पेशन में, परकशन में आप पेशेंट को फिजिकली विद कंसेंट एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये साइंस है, ठीक है। और हमें उसकी ऑस्कल्टेशन लंग्स की पे, उस पर क्रेपिटेशन, एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड, ठीक है, गड़गड़गड़ गर्गलिंग साउंड, जैसे पल्मोनरी एडिमा जो है और उसमें से हवा गुजर रही है तो आवाज क्रेपिटेशन, ठीक है। आप इसके लिए नॉर्मल अपना जो चेस्ट है उसको ऑस्कल्टेट किया करें घर पे, ठीक है, देन यू विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। पहले नॉर्मल का पता होगा बंदे को, तो उसे पता चलेगा ना, नहीं भाई ये तो नॉर्मल नहीं, ये एबनॉर्मल, ठीक है। अच्छा, ये सारे साइंस, ये आ गए जी कार्डियक एरिया। प्रीकॉर्डियम को हम सारी को ऑस्कल्टेट करते हैं, लेकिन देर आर, उसको हमने अपनी फाइंडिंग्स को डिस्क्राइब भी तो करना है कि हमें कोई फाइंडिंग कहाँ पे मिली है प्रीकॉर्डियम में, कहाँ पे। मोर प्रिसाइजली डिस्क्राइब करने के लिए हम ये चार कार्डियक एरियाज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है सबसे पहले ये है माइट्रल एरिया, ये कहाँ पाया जाता है, जहां मैंने आपको बताया मिड क्लेविकुलर लाइन और से 1 सेंटीमीटर मीडियल और फोर्थ या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जब आप पिन पॉइंट, आपको एपेक्स बीट मिलेगी। और ये क्या है, माइट्रल एरिया, ये क्या है, माइट्रल एरिया। इसलिए माइट्रल वेल्व का जो स्टेनोसिस है उसकी आवाज हमें यहाँ सबसे अच्छी सुनाई देगी, क्योंकि ये माइट्रल एरिया। अच्छा जी, अब ये है लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, है कि नहीं, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर है ना, तो लोअर लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, ट्राइकस्पिड एरिया, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, क्या सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये क्या है बता दें, पढ़ के बता दें, पल्मोनरी एरिया। पिछले लेक्चर में हमें पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रहा था नेफ्रोलॉजी ऑफ पैलेट में, तो हमें यहाँ पे मरमर उसका मिल रहा था ना, बिकॉज ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस। अच्छा जी, और ये क्या है, एओर्टिक एरिया, और ये है राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर, ये क्या है, राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर, और ये क्या है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। अब भाई सवाल ये है कि सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस का हमें मरीज के ऊपर कैसे पता चलेगा, तो आप सब अपना ये जो है स्टर्नल नॉच, इसको कहते हैं, इसको है? इसको फील करें, फील करें, सब बच्चे, सब पतले हैं, कोई मोटा नहीं है, इसको फील करें और नीचे आए, तो जो पहली प्रोमिनेंस आपको मिलती है वो है मेनुब्रियोस्टर्नल एंगल, जो पहली प्रोमिनेंस आपको मिलती है वो है मेनुब्रियोस्टर्नल एंगल, और उसके साथ पेल्पेट करें जो रिब है वो है सेकेंड रिब, ठीक है, पहुंच गए, और इसके नीचे जो स्पेस है नरम सी वो है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, पहुंच गए सब अपनी सेकेंड इंटरकोस्टल, चलो शाबाश। अच्छा जी, माइट्रल वेल्व, माइट्रल एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, पल्मोनरी एओर्टिक एरिया, और सॉरी पल्मोनरी एरिया और एओर्टिक एरिया, MTPA, 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 चलो जी आगे चलो। इन्वेस्टिगेशन देखिए, अब तक आपको पता है कि ECG पे जो है वो जो भी चैम्बर, किसी एक चैम्बर की जो हालत होगी, उसके डायलेटेड है या हाइपरट्रॉफी है, उसके अकॉर्डिंगली ECG फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी। तो अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो तो टॉल आर वेव बनती है ECG पे, ठीक है। अगर आप ECG पे टॉल आर वेव देखें तो आपके जहन में आना चाहिए कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की फाइंडिंग है, ठीक है। अच्छा, एक्सरे पे कोई भी जब आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि आप एक्सरे पे जो थोरेसिक डायमीटर है वो देखते हैं और आप कार्डियक शेडो देखते हैं, तो जो थोरेसिक डायमीटर है फॉर एग्जांपल किसी का 6 सेंटीमीटर है, तो जो कार्डियक शेडो का 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, उसके हाफ से कम होना चाहिए, तो वो एक नॉर्मल कार्डियक शेडो है। अगर ऐसा नहीं होता, कार्डियक थोरेसिक रेशियो इज इंक्रीज, कार्डियक शेडो आपको बड़ा नजर आता है, तो वो है कार्डियोमेगली, एनलार्जमेंट ऑफ एनी ऑफ द हार्ट चैम्बर, या ज्यादा या कम, एक हार्ट चैम्बर एनलार्ज होगा तो भी कार्डियोमेगाली मिलेगी, ज्यादा कार्डियक चैम्बर डायलेट होंगे तो भी, एनलार्ज होंगे तो भी कार्डियोमेगाली मिलेगी। तो एक्सरे पे हम देख सकते हैं कि कार्डियक चैम्बर्स की डायलिटेशन है कि नहीं, सिंपल इन्वेस्टिगेशन 300 में हर जगह होता है, ठीक है, एवरीवेयर इज अवेलेबल।
तो इस पे हमें लार्ज लेफ्ट एट्रियम मिलेगा, लेफ्ट एट्रियम में लार्ज हो गया था ना फाइनली जब फेल हो गया था, तो दैट फाइंडिंग कैन बी सीन ऑन एक्स-रे चेस्ट. साइंस ऑफ पल्मोनरी वीनस कंजेशन, इंक्रीज्ड पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स. नॉर्मल चेस्ट एक्सरे देखें और फिर एबनॉर्मल देखें, यू विल क्लियरली सी द डिफरेंस. एको में भी हमें जो है वो जो कार्डियक एको में हम विजुअल विजुअलाइजेशन होती है, विजुअली वी सी द कार्डियक चैम्बर साइज और रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस की जो रीजंस होती हैं, ठीक है, वेल्व ओपन हो रहा है या नहीं प्रॉपरली, ये सब चीजें नजर आती हैं. एको इज अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द हार्ट, तो उसमें आपको थिक एंड इमोबाइल कस्प जो है पूरी तरह ओपन नहीं हो रहे और रिगर्जिटेशन में के पूरी तरह क्लोज नहीं हो रहे, तो ये दोनों चीजें आप देखेंगे. एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम, हर कार्डिक चैम्बर का साइज यू कैन सी ऑन द एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है जी. माइल्ड स्टेनोसिस को अब हम मैनेज कैसे करेंगे, एक तो हमने एंटीकोगुलेंट देना, समझ आ गई कि क्यों देना है, हम नहीं चाहते कि थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस हो. और इसके अलावा हार्ट फेलियर में है ना, तो जो है डिजिटलाइज करते हैं डाइजॉक्सिन, वो क्या करती है, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ द हार्ट, तो हार्ट फेलियर में देते हैं. बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ये रेट लिमिटिंग, जो पेशेंट इसका होता है ना कार्डियक पेशेंट जो है उसको टैकीकार्डिया नहीं होना चाहिए, दैट कैन प्रेसिपिटेट एरिथमिया, तो उसको टैकीकार्डिया नहीं होना चाहिए, टैकीकार्डिया कैन लीड टू एरिथमिया, इसलिए रेट लिमिटिंग. कार्डियक रेट है ना ये 70 पर मिनट, 80 पर मिनट, 90. टैकीकार्डिया क्या है, कार्डियक रेट कह ले या पल्स कह ले मोर देन 100, ब्रैडीकार्डिया क्या है लेस देन 50, तो हम नहीं चाहते किसी सूरत में कि टैकीकार्डिया हो, वो एरिथमिया कर सकता है, तो हम रेट लिमिटिंग मेडिकेशन देंगे. वो क्या है, बीटा ब्लॉकर, ये प्रिवेंशन है एरिथमिया के लिए, प्रिवेंशन है एरिथमिया के लिए, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर, ये जो एरिथमियाज है इनकी प्रिवेंशन के लिए कैल्शियम एंटेगोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यानी के और बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं. डायूरेटिक्स आपको पता है हार्ट फेलियर में दिए जाते हैं, एडीमा, पल्मोनरी एडीमा, तो इंक्रीज यूरिनेशन से वॉल्यूम ओवरलोड कम करेंगे, पल्मोनरी एडीमा विल सेटल, ठीक है, तो ब्रेथलेसनेस विल बी बेटर. सर्जिकली mitral valve की बेलून वेल्वोप्लास्टी हो सकती है, ओपन हार्ट सर्जरी पे वेल्वोप्लास्टी हो सकती है, या वेल्व रिप्लेसमेंट हो सकती है, ज्यादा ही जिनके वेल्व का बुरा हाल होता है, ठीक है. तो ये वेल्वोप्लास्टी जो बेलून वेल्वोप्लास्टी उसकी क्या पिक्चर है कि इंफीरियर वेना कैवा से गए कहां जा सकते हैं, इंफीरियर वेना कैवा से हम राइट एट्रियम में, वहां से हमने इंटर एट्रियल सेप्टम से वो गुजारा, ठीक है, उसको पियर्स करते हुए, और हम पहुंच गए लेफ्ट एट्रियम से mitral valve पे पहुंच गए, वहां बिल्कुल को हमने इन्फ्लेट किया, डिफ्लेट किया, इन्फ्लेट किया, डिफ्लेट किया, इन्फ्लेट किया, डिफ्लेट किया, तो मैकेनिकल डायलिटेशन हमने बेलून वेल्वोप्लास्टी, ठीक है, की. बेलून वेल्वोप्लास्टी, बेलून इज इन्फ्लेटेड टू वाइडन द नैरोड mitral valve, ठीक है, जितनी दफा भी इन्फ्लेट करेंगे, ठीक है, तो वो mitral valve जो है उसका स्टेनोसिस रिलीव हो जाएगा, ठीक है. परकुटेनियस प्रोसीजर है, कितनी अच्छी बात है. माइट्रल रिगर्जिटेशन में अब तक आपको समझ आ गई, कॉजेज वही हैं, छह कॉजेज मैंने आपको रिगर्जिटेशन की बताई थी, अगर आप गौर करें तो ये वही कॉजेज हैं. नंबर वन रूमेटिक कार्डाइटिस या रूमेटिक हार्ट डिजीज कह लें, नंबर टू सिनाइल, नंबर थ्री कंजेनिटल, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नंबर फाइव ट्रोमेटिक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और नंबर सिक्स सिफिलिस, अगर आप देखें तो यही सब कुछ इसमें लिखा, ठीक है. चले जी, ये तो एटियोलॉजी तो आपने रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस सबकी पढ़ ली ना, आगे चले. अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये जो वेल्व है ये पहले था इसका स्टेनोसिस, अब है इसकी रिगर्जिटेशन, ठीक है. तो सिस्टली में जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है ब्लड को एओटा में, तो ब्लड एओटा के अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस भी चला जाता है अक्रॉस द रिगर्जिटेटेड वेल्व, वेल्व की रिगर्जिटेशन है. तो सिस्टली में सिर्फ जो है वो कार्डियक आउटपुट जो है वो एओटा को ही नहीं जाएगा, पीछे लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम को वापस भी जाएगा. अच्छा, अब लेफ्ट एट्रियम को वापस चला गया, ठीक है. अब जो है वो ये लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन एंड हाइपरट्रॉफी, पहले हाइपरट्रॉफी होगी, ये देखिए ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि नॉर्मल जो एक मसल विड्थ थी, नॉर्मल जो एक थिकनेस थी जो है मसल्स ऑफ द हार्ट की, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि फोर्स, ठीक है, फोर्स जनरेट करेगा ना लेफ्ट वेंट्रिकल इसको कोप अप करने के लिए. अच्छा, अब ये जब हार्ट में से लेफ्ट वेंट्रिकल में से बार बार ब्लड जो है वो उसमें वापस जा रहा है, उसका वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है कि नहीं. वॉल्यूम ओवरलोड जब लेफ्ट एट्रियम में होगा तो पीछे पल्मोनरी कंजेशन होगी, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं, ठीक है. तो वो पहले वाले मसले भी वहीं के वहीं हैं,
अब पहले क्या हो रहा था कि लेफ्ट एट्रियम जो है वो डायलेटेड था, उसमें प्रेशर ज्यादा जनरेट करने की वजह से, और उसमें ब्लड को वो पूरी तरह पंप नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए ब्लड का स्टेसिस लेफ्ट एट्रियम में हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि ब्लड को पंप तो कर देता है लेकिन ब्लड उसमें वापस आ जाता है, सम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम हर हार्ट बीट के साथ वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, तो उसी ब्लड को वो बार बार उसको पंप करना पड़ता है। दैट विल लीड टू वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, दैट विल लीड टू वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ द पल्मोनरी वास्कुलेचर, दैट विल लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दैट विल लीड टू राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन एंड हाइपरट्रॉफी, रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सिस्टली, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन एंड हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी कंजेशन, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। ठीक है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द माइट्रल वेल्व, यानी कि माइट्रल रिगर्जिटेशन will result into backflow of blood to the left atrium. ठीक है, that will result into decreased volume of blood ejected into the left ventricle. आधा ब्लड तो उधर चला गया तो कार्डियक आउटपुट विल बी डिक्रीज, दैट विल रिजल्ट इंटू वीकनेस एंड फटीग, कार्डियक आउटपुट ही कम है तो टिश्यू को ऑक्सीजनेशन और ब्लड सप्लाई जब नहीं जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज को प्रॉपरली नहीं जाएगी, पेशेंट विल एक्सपीरियंस फटीग एंड वीकनेस। अच्छा, दूसरा मसला क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, दैट विल लीड टू लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी इन द फर्स्ट इंस्टेंस, फाइनली तो डायलिटेशन और फेलियर होगा। अच्छा, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी और इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर विल बी इंक्रीज, दैट विल लीड टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और उसके फीचर्स होंगे एसआईटीज, एडीमा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी सिंपल सी है, जो जो इसके हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़े हैं कि फटीग और वीकनेस होती है। एग्जर्शनल डिस्निया का क्या मतलब है कि पेशेंट जैसे ही मोर देन एवरेज एक्टिविटी शो करता है, एग्जर्शन शो करता है, तो दैट विल लीड टू ब्रेथलेसनेस एंड कफ, एग्जर्शनल डिस्निया, हैवी काम करने पे उसको सांस चढ़ता, वैसे नहीं चढ़ता। ठीक है, पेल्पिटेशन, अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट, ये किसमें होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में, और एट्रियल फिब्रिलेशन के इन माइट्रल स्टेनोसिस में भी और माइट्रल रिगर में भी हाई चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ये कॉम्प्लिकेशन होने के। एडिमा साइटीज आर द फीचर्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो हर साइन एंड सिम्टम जो आ रहा है उसके पीछे उसकी रीजन है। ठीक है, तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन। अच्छा, हाँ जी, ये बात कहाँ से आ गई बीच में, बहुत आपने बदमजा सा सवाल किया, अजीब सी, सारा टेम्पो जो लोग इतने वो शौक से सुन रहे थे और जो बेचारा तड़प तड़प के सुना रहा था। अच्छा, उसको छोड़ो, तुम्हारा ध्यान मिनटों पे है लेक्चर की बजाय, मुझे पता है कितना हजम होगा, चुप कर जाओ तुम लोग, सारा काम खराब। अच्छा, साइंस क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन की, सबको समझ आ गई, कार्डियोमेगाली की सबको समझ आ गई। थ्रिल क्या होता है, अब ये नई बात क्या आई है, थ्रिल तो हमने पढ़ा था, मर्मर, मर्मर क्या था, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, अगर वो पेल्पेबल हो तो उसे थ्रिल कहते हैं, थ्रिल इज अ पेल्पेबल मर्मर। मर्मर जो है वैसे तो हम ऑस्कल्टेट करेंगे, लेकिन जब वो बहुत बढ़ जाएगा तो वो हमें बाहर से भी सुनाई देगा और हमें पेल्पेट भी होगा, तो उसको हम कहेंगे थ्रिल। अच्छा जी, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि S1 सॉफ्ट हो जाएगी, क्यों भाई, माइट्रल वेल्व तो बंद नहीं होता तो फर्स्ट हार्ट साउंड कहां से प्रोड्यूस करेगा वो। ठीक है, तो सॉफ्ट S1, एपेक्स पे S3 सुनाई देगी। पल्मोनरी वीनस कंजेशन अगर होती है माइट्रल रिगर्जिटेशन में तो हमें ऑस्कल्टेशन पे क्या सुनाई देंगी, बोलो ना, क्रेपिटेशंस, एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स कह लें इनको। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है, नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग, नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग, तो इसमें क्या है कि एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हमें सुनाई देंगी, दीज आर द क्रेपिटेशंस। पल्मोनरी एडिमा सीवियर केसेस में हो सकता है, अब बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो है अगर लंग्स में तो वो ब्लड फ्लो कहाँ जाए, तो सीवियर केसेस में दैट विल रिजल्ट इन टू पल्मोनरी एडिमा या प्लूरल इफ्यूजन्स। प्लूरल जो स्पेस है उसमें 20 ml तक फ्लूइड नॉर्मली प्रेजेंट होता है, तो प्लूरल इफ्यूजन हम कब कहेंगे, व्हेन इट इज मोर देन एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी इज प्लूरल इफ्यूजन, एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी इज SIT, एक्सेसिव फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द पेरिकार्डियल कैविटी इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, तो साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन,
एंड राइट हार्ट फेलियर फाइनल केसेस में कि बिल्कुल ही अनट्रीटेड केसेस में. इन्वेस्टिगेशन वही तीन इन्वेस्टिगेशन, उस पर हमें सारी कहानी क्लियर हो जाएगी. मैनेजमेंट जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट में बेस. अच्छा अभी देखो माइट्रल रिगर्जिटेशन है, कार्डियक आउटपुट पहले ही कम है, ठीक है. इजेक्शन फ्रैक्शन का क्या मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रेंज है 50-70%. इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब है कि एक कार्डियक साइकिल में या एक सिस्टमी में कितने परसेंट ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पंप कर देता है और कितने परसेंट पीछे रह जाता है. तो मोर देन 50% ब्लड उसको पंप करना चाहिए, ठीक है. रेंज क्या है 50-70%. एक नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल को हर कॉन्ट्रेक्शन में हर सिस्टमी में 50-70% ब्लड जो उसके अंदर मौजूद है उसको पंप कर देना चाहिए. अब यहाँ क्या हो रहा है तो अधिक ज्यादा ब्लड तो वैसे ही रिगर्जिटेशन में चला जाता है, थोड़ा बहुत जो है वो कार्डियक आउटपुट बनाता है, ठीक है. अगर ऐसे पेशेंट को सिस्टेमिक, अगर ऐसे पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल तो बेचारा और मुसीबत में नहीं पड़ जाएगा, यानी कार्डियक आउटपुट पहले ही कम है. और ऐसे में अगर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो जाती है जिन ब्लड वेसल्स में इस बेचारे लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप करना है उसमें हाइपरटेंशन भी है, तो ये तो फिर डबल डिजीज हो गई ना, उसका वर्कलोड तो और ही ज्यादा हो जाएगा. तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर या सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर हो. तो एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना और भी इम्पोर्टेंट है. हार्ट रेट कंट्रोल रखना और भी इम्पोर्टेंट है. डायूरेटिक्स हार्ट फेलियर में दिए जाते हैं, ठीक है, एक्सेसिव फ्लूड ओवरलोड को कम करने के लिए. और अगर पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में है तो एंटी कोगुलेशन देंगे, डाइजॉक्सिन देंगे. अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, माइट्रल वेल्व रिपेयर या माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट. रिपेयर कर दे या नहीं रिपेयर हो सकता, रिप्लेसमेंट कर दे. एमआर जब तक ग्रेड वन तक ये चीजें हो सकती है. एमआर जो इसकी ग्रेडिंग होती है एको पे, ग्रेड टू की ना रिपेयर होती है ना रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है. तो जब तक ये थोड़े कंट्रोल में है तब तक इसका हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है. चलो नेक्स्ट जो है एओर्टिक स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन मैं आपको पढ़ाऊंगी और उससे नेक्स्ट आप खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है ना. वो आपकी पल्मोनरी ट्रैकस्पिड आप खुद ही पढ़ेंगे, वो इतना ज्यादा भी नहीं है. 1-10 लेक्चर मैम, 7 लेक्चर भी हमारा रहता है अभी. हाँ ठीक है, आपका हाइपरटेंशन रहता है मुझे पता है, आई नो आपका लेक्चर हाइपरटेंशन वाला रहता है. और